क्या ऊन क्रुएलिटी फ्री है? हर सर्दियां हम अपने आप को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऊन आती कैसे है? ऊन के प्रति ये आम धारणा है कि भेड़ तो प्राकृतिक रूप से ऊन बनाती ही है और हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए सिर्फ उसी ऊन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्रूरता कहाँ है? हमारे देश के छोटे किसान भेड़ का ख्याल रखते हैं, पर भारत देश में 95% ऊनी कपड़े विदेशी ऊन से बनते हैं, और जो ऊन बनाने वाली फैक्ट्रीज के पीछे दिल दहलाने वाला सच है, वो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लालच की वजह से नहीं चाहती कि आप तक पहुंचे। ऊन तरह तरह के पशुओं से आता है, पर भारत देश में ज्यादा तौर पर भेड़ की ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है और 3रा बड़ा भेड़ आबादी वाला देश, जिसके पास लगभग 7.5 करोड़ भेड़े हैं, जिनसे हर साल 4.5 करोड़ किलो ऊन की प्रोडक्शन होती है। इतनी बड़ी मात्रा में ऊन प्रोड्यूस करने के बाद भी हर साल भारत विदेशों से ऊन इम्पोर्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक देसी नस्ल की भेड़ एक साल में केवल 500 ग्राम से 1 किलो ऊन देती है, जिसमें से काफी ऊन ऐसी होती है जो हम कपड़े बनाने के इस्तेमाल में नहीं ला सकते। हमारे देश में फाइन ऊन प्रोड्यूस करने वाली भेड़ों की आबादी कम है और जो 90% मोटी ऊन प्रोड्यूस होती है, उसकी खपत कारपेट्स और ब्लैंकेट्स बनाने में हो जाती है। और कपड़े बनाने के लिए यानी मुलायम ऊन के लिए भारत को बाहर के देशों पर निर्भर होना पड़ता है। भारत विश्व का 2रा सबसे बड़ा ऊन इम्पोर्टर है। 2020 में भारत ने 1500 करोड़ रुपए की ऊन विदेशों से इम्पोर्ट की और सबसे ज्यादा ऊन प्रोड्यूस करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबसे ऊपर हैं। हम जो रॉ ऊन इम्पोर्ट करते हैं, उसे बुनकर कपड़ों का रूप देते हैं और वही कपड़े हमारे और बाहर देशों में बेचे जाते हैं। प्राकृतिक तरीके से भेड़ ऊन अपने आप को गर्म रखने के लिए बनाती है, पर जब वूल इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पर ऊन की प्रोडक्शन होती है, तो ब्रीडर्स अपने मुनाफे के लिए भेड़ों की ब्रीडिंग करते हैं। भेड़ों की आबादी बढ़ने का मतलब है ऊन की प्रोडक्शन बढ़ना और कमर्शियल लेवल पर वूल प्रोड्यूसर्स के लिए ज्यादा पैसा। यही वजह है कि हर साल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख से भी ज्यादा भेड़ें ऊन के लिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेट की जाती हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए मेल भेड़ को इलेक्ट्रिक्यूट करके उनका सीमेन लिया जाता है, ताकि फीमेल भेड़ को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार तो यूट्रस तक पहुंचने के लिए एब्डोमिनल कैविटी को काटा जाता है, जिसकी वजह से कई भेड़ों की जान जोखिम में पड़ जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मुख्य तौर पर ऊन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी जितनी जल्दी भेड़े प्रेग्नेंट होंगी, उतनी जल्दी एक और भेड़ ऊन बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, जैसे कि वो कोई जीव ना होकर मशीन हो। ना सिर्फ उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेट किया जाता है, पर भेड़ों की आबादी को कम ही समय में बढ़ाने के लिए ऐसी जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भेड़ एक नहीं, दो नहीं, पर एक बार में 6 बच्चों को जन्मे। इस तरह की प्रेगनेंसी में मां की जान को खतरा तो होता ही है, और जो बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से कई पैदा होने के कुछ ही समय में कमजोर होने की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं, और जो जिंदा बच जाते हैं, उनकी हालत तो मुर्दों से भी बदतर बना दी जाती है। फ्लाई स्ट्राइक ऑस्ट्रेलिया ऊन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब मक्खी अपने अंडे भेड़ों की ऊन पर देती है, तब अंडे ऊन में ही पड़े पड़े हैच होना शुरू हो जाते हैं और कीड़े बनने पर भेड़ों के जीते जी ही उनकी फ्लैश को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भेड़ों को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और कई बार तो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। पर कमर्शियल लेवल पर ब्रीडर्स ये नहीं चाहते कि भेड़ों को ये बीमारी हो और ऊन प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की रुकावट पड़े, तो वो भेड़ों को म्यूल कर देते हैं। म्यूलसिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहां भेड़ों की पिछली चमड़ी को काटकर अलग कर दिया जाता है। भेड़ों की पूंछ के पास वाला हिस्सा यूरिन की वजह से गीला रहता है, जिसकी वजह से मक्खियों को अंडा देने में आसानी हो जाती है। कई देशों में भेड़ों की म्यूलसिंग एक साधारण सी बात है। ये प्रोसीजर लीगली बिना किसी एनेस्थेटिक के किया जाता है। इस प्रोसीजर के बाद भेड़ कई दिनों तक दर्द में तड़पती रहती है और शॉक में चली जाती है। ये प्रोसीजर इतना क्रूअल है कि इसको रोकने के लिए सबसे पहले 2005 में आवाज उठाई गई, पर आज भी 75% ऑस्ट्रेलियन ऊन इसी प्रोसीजर से आती है। एक तो ये प्रोसीजर वैसे ही इतना दर्दनाक और क्रूर है, ऊपर से ऊन बनाने वाली कंपनीज ये प्रोसीजर मेमनों पर तब करती हैं जब वो सिर्फ 2 हफ्ते के ही होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती।
इस सब के बाद जब भेड़ से ऊन निकालने का समय आता है तब भेड़ को एक बार फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। डोमेस्टिकेशन से पहले भेड़ प्राकृतिक रूप से अपनी ऊन खुद ही शेड करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। भेड़ों के ऊन काटने से पहले भेड़ों को भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि वो कमजोर हो जाएं और ऊन काटते समय कम से कम हाथ पैर मारें। ऊन काटते समय भेड़ों को बुरी तरह से हैंडल किया जाता है ताकि वो ज्यादा ना हिले, इसलिए उनकी गर्दन को घुटने के नीचे दबा दिया जाता है और फर्श पर पटक पटक कर उनसे ऊन निकाली जाती है। फैक्ट्रीज में ऊन काटते समय भेड़ों को मारना पीटना और उनकी नाक तोड़ देना ताकि वो दर्द के कारण एक जगह पड़ी रहें और ज्यादा ना हिले एक बहुत ही मामूली बात है। लगातार भेड़ों से ऊन निकालना और रफ हैंडलिंग की वजह से भेड़ों को कई घाव और चोटें लग जाती हैं, जिनकी कोई दवा दारू नहीं की जाती बल्कि उन्हें बहुत ही बेरहमी से सुई धागे से सिल दिया जाता है ताकि वो एक मशीन की तरह ही ऊन बनाती रहें। एक भेड़ को इस प्रोसेस से एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार गुजरना पड़ता है जब तक कि वो ऊन बना सकती है। जब ये सब उनके साथ हो रहा होता है तो उन्हें एक बड़े झुंड के साथ एक छोटी स्पेस में रखा जाता है जहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ये वैसा ही हुआ जैसे आपको या मुझे एक मोटा स्वेटर पहनाकर 40 डिग्री सेल्सियस वाले कमरे में बंद कर दिया जाए। कैद हुई भेड़ अपने ही यूरिन और फीसिस में रहती है और जब भेड़ बूढ़ी हो जाती है और ऊन बनाना कम कर देती है तो उसे कसाई को बेच दिया जाता है। आम तौर पर एक भेड़ का जीवन काल 12 साल का होता है, पर वूल इंडस्ट्रीज में बहुत से मेमने 9 महीनों के भी नहीं होते जब वो अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। बेजुबानों पर क्रूरता ना हो इसलिए आप ऊन का बहिष्कार कर ऊन के अल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। इस वीडियो को शेयर कर आप उन करोड़ों बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाइए जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते।